हेलो एंड वेलकम विद न्यू वीडियो। जिसके बच्चे पैदा नहीं होते तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रीज़न नहीं होता। इनफर्टिलिटी, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। इसमें मेल और फीमेल की काजेज होती है। बस टाइम इस तरह होता है कि मेल की भी कोई काजेज नहीं होती और फीमेल की भी कुछ काजेज नहीं होते, लेकिन ये इतनी स्मॉल काजेज होती है और स्मॉल डिफेक्ट्स होते हैं, इसको हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स कहते हैं। उस क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। आमतौर पर जितनी भी डिजीज़ है, जितनी भी कंडीशन है, और जो कपल परेशान है बच्चे पैदा न होने की वजह से, तो उनके लिए ये एक गाइडलाइंस है, ये हिदायत है, जो वो मालूम कर सके कि आया मेल में कोई इनफर्टिलिटी है या फीमेल में कोई इनफर्टिलिटी काजेज है। मिसाल के तौर पर अगर हम मेल की कुछ काजेज का जिक्र करें तो मेल में जो मेन टेस्ट होती है वो है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पता चल सकता है कि आया मेल औलाद पैदा करने की काबिल है या नहीं है। इस तरह फीमेल में बहुत से टेस्ट होते हैं। एक हार्मोन्स की जो टेस्ट होती है, दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है एंडोमेट्रियम की, और तीसरा डिजीज हो सकता है, मतलब ये है कि सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इस तरह सर्विक्स की कुछ डिजीज होती है या इन्फेक्शन है, बहुत सी डिजीज होती है। और तीसरा जो काजेज होती है, जो मैं जो लोग कहते हैं कि मेल में भी कोई डिफेक्ट्स नहीं है और फीमेल में भी नहीं है और फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो ये जो काजेज होती है इसको एडोपैथिक कहते हैं। एडोपैथिक मीन जिसकी कुछ काजेज मालूम नहीं होते हैं। तो ये है क्रोमोसोमल चेंजेस। ये होती है क्रोमोसोम में, डीएनए में, और ये वो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हाई एक्सपेंसिव टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन होती है, और इस हाई और एक्सपेंसिव टेस्ट की वजह से कुछ लोग वो नहीं कर पाते। अगर आप परेशान है कि आपके बच्चे पैदा नहीं होते और आप में कोई इस तरह काज भी नहीं है, ना मेल में कोई काज है और ना फीमेल में कोई काज है, और फिर भी बच्चे पैदा नहीं होते, तो आपको जानना चाहिए कि ये क्यों नहीं होते, क्या वजह है, इसमें कौन सी वो पोशीदा अमराज होती है या पोशीदा कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बहुत सी आसान और इसके टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आपने जितने भी टेस्ट वगैरह किया है, इसमें आपने कौन कौन से टेस्ट रह गए हैं, क्या मेल फर्टिलिटी की काबिल है, इसका जो सीमेन है इसमें एक्टिव काउंट कितना है, इसमें स्लगिश कितना है, नॉन एक्टिव जो या नॉन मोटाइल जो होती है, या फॉरवर्ड मोटाइल कितनी है, प्रोग्रेसिव मोटाइल कितनी है। इन सारी की टेस्ट के बाद अगर आपने पहचान लिया कि ये इफेक्ट या डिफेक्ट जो है ये मेल का है, तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर बाद में आपको पता चला कि फीमेल में भी है कोई डिजीज़ है, इसमें इस तरह की कोई वजूहत है जो फीमेल की वजह से हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इररेगुलरिटीज़ है, या फीमेल की एंडोमेट्रियम में सिस्ट है, या एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के काबिल नहीं है, या ब्लड में कोई इस तरह जम्स है, या फीमेल की हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और इररेगुलरिटीज़ हैं, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, इस तरह अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई और बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल डिसमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेटोरेजिया, या इसके अलावा और भी बहुत कंडीशन है जिसकी वजह से ये इफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी, फर्टाइल लाइफ, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, और जो एवरेज साइकिल है 28 डेज से या बहुत ज़्यादा कम है, या 25 28 डेज से बहुत ज़्यादा लंबा है,
तो अगर 19 दिन तक शॉर्ट है तो ये कोई मसला नहीं है, ये नॉर्मल बनाता है। और अगर 35 डेज तक होता है तो ये भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेंथ है ये 19 से लेकर 35 दिन तक हो सकता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर नुकसान हो सकता है, इसमें एबनॉर्मलिटी या इसमें डिफेक्ट्स हो सकता है। इस तरह ये तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर फीमेल की एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो इससे डिसेडवा बनता है, ये जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, आया ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो सकता है या नहीं है? इसमें जो एक्स्ट्रा एपिथेलियल एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू और इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो है, आया ये हो ये हर मंथ में आ सकता है या नहीं? ये जो डिसेडवा एंडोमेट्रियम से जो डिसेडवा बनता है, आया ये इम्प्लांटेशन के लिए काबिल है या नहीं है? इसके अलावा एंडोमेट्रियम यूट्रस में पॉलिप्स या सिस्ट वगैरह भी हो सकता है, और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसीज या विजाइनल इन्फेक्शन या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी इन्फेक्शन है, क्या ये इन्फेक्शन तो नहीं है? तो आपको मेल और फीमेल में जो ज़ाहरी खदुखाल होती है या ज़ाहरी इसमें जितनी भी इन्फेक्शन होती है, काजिज़ होती है, इसको आपने क्या करना है, आपको वन बाय वन आपको मेंशन करना है, आपको लिखना है कि आया मुझ में ये कोई डिजीज़ तो नहीं है। फिर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आसानी से होगा, लेकिन इस तरह नहीं है कि आपने एक या दो टेस्ट किया है और आपने कहा कि मुझ में और मतलब यह है कि कब्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह एंडोक्राइनोलॉजी के भी बहुत से हार्मोन है जो ये इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और इसके साथ T3 और T4, ये वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पे फोकस करता है। आया इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है? इसके अलावा और भी हार्मोन है, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आया ये नॉर्मल है या नहीं है? और आया मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोलैक्टिन का मकदार तो ज़्यादा नहीं निकलता? प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है जो इनफर्टिलिटी को काज कर सकते हैं। इस तरह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये हार्मोन प्रॉपर मकदार में है या नहीं है? इसके अलावा अगर आप टेस्ट करते हैं तो ब्लड में ये देखना चाहिए कि आया ब्लड में कोई टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा या इस तरह और भी जर्म्स तो नहीं है जो फीटस को एबॉर्ट करते हैं, जो मिसकैरेज काज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। फिलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है? फिलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज हो तो फिर भी प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर ओवम रिलीज होता है, इसका ओवुलेशन होता है और ये फिलोपियन ट्यूब में आसानी से आ सकता है और फिलोपियन ट्यूब ओपन है और स्पर्मेटोजोआ इसमें पहुंच जाता है तो फिर प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन अगर फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या इसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है तो फिर भी ये ओवम तक नहीं पहुंच सकता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा जो मरहला है वो है इम्प्लांटेशन। तो आया इम्प्लांटेशन आसानी से जो नॉर्मल है ये हो सकता है या नहीं है? क्योंकि सारी बहुत सी काजेज है और प्रॉब्लम है जिसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप में वो कौन सी वजूहात है जिसके बिना भी आपके बच्चे नहीं हो सकते।